किसी की कोई भी क्वेरी है? डू यू हैव एनी क्वेरी? ओके, आई थिंक ओके, सो टुडे आवर टॉपिक विल बी प्रणाम. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टी. आज मैंने सबसे इजी टॉपिक उठाया है प्रॉपर्टी का. हमेशा मैं पहले मैरिज लेती हूँ, बट मैरिज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम मैरिज से प्रॉपर्टी से शुरुआत करेंगे एंड प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे. प्रॉपर्टी परचेज होती है तो कैसे पता चलता है, कब होगी, कब तक पर्सन प्रॉपर्टी खरीद लेगा, और क्या वाकई उसकी कुंडली में प्रॉपर्टी के चांसेस हैं. दूसरी चीज़ है तो कब तक है, प्रॉपर्टी कैसी होगी, किस टाइप की होगी, या कहाँ से हमें प्रॉपर्टी को किसकी हेल्प की सपोर्ट से लेना होगा. ये सारी बातें हम आज पढ़ेंगे, राइट? तो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ. देखिए, प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम फोर्थ हाउस के कस्प को चेक करते हैं, राइट? क्या चेक करते हैं? फोर्थ हाउस के कस्प को हमें पढ़ना होता है. फोर्थ हाउस के कस्प कौन सा प्लैनेट बनता है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड क्या बनता है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो दोनों के दोनों क्या नंबर दे रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है एस्ट्रोलॉजी में कि मेरे जीवन में क्या क्या घटित होगा, और दूसरी चीज़ मेरे जीवन में वो कब घटित होगा, ठीक है? तो जब व्यक्ति आपसे कोई भी प्रश्न करता है, पहला प्रश्न उसका ये होता है क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी बना पाऊंगा, तो क्या उसकी कुंडली में ये योग दिख रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाएगा. तो जब हमें वो योग को चेक करना होता है तो हम स्पेसिफिक हाउस के कस्प को रीड करते हैं और उसके नंबर को हम चेक करते हैं. लेकिन जब क्लाइंट का ये क्वेश्चन होता है कि प्रॉपर्टी कब खरीदूंगा, वेन, तो जब भी वेन की बात आती है तब हम जो हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा होती है उसको हम देखते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे दोबारा से स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करती हूँ. हाँ, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ये पीपीटी दिख रही है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें क्या चेक करना होता है. फोर्थ हाउस का जो कस्पल लॉर्ड है और नक्षत्र लॉर्ड है, फोर का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी और व्हीकल. जब मैंने आपको हाउसेस बताए थे तो मैंने आपको क्या बताया था, चार नंबर प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है और चार नंबर व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है. 11 नंबर क्या है, 11 नंबर इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट जो आपके और आपके सामने वाले पर्सन के बीच में होगा जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. उसके बाद आता है 12 नंबर. व्हाट इज 12 नंबर? ये बोल रहा है कि जो खर्चा, जो एक्सपेंस आपने बियर किया है वाइल परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, दैट इज योर 12 नंबर. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है प्रॉपर्टी का, 4, 11, 12. इसके बाद मैंने लिखा है मंगल और शनि का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है. मंगल या शनि अंतर दशा में, महादशा में, प्रति अंतर दशा में
कहीं पर भी अगर गोचर कर रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में पक्का पक्का व्यक्ति की प्रॉपर्टी बनती है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही कहीं ना कहीं, शनि जो है वो कंस्ट्रक्शन का कारक है और जो मंगल है वो आपकी प्रॉपर्टी का कारक है। इसके बाद सेकंड स्लाइड को हम गो थ्रू करते हैं। सेकंड स्लाइड में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी एनएल नीचे आएगा, एसएल ऊपर आएगा, ये गलती से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बारी आती है कि जब फोर्थ हाउस का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड दोनों मिलकर 4, 11, 12 के साथ 6 नंबर और ऐड हो जाता है, इसका मतलब क्या है? यू विल बाय अ प्रॉपर्टी विद लोन, आप लोन के साथ अपनी प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। इसके बाद आती है बारी 4, 6, 8, 11, 12। यहाँ पर 4 क्या है? प्रॉपर्टी है। 11 क्या है? एग्रीमेंट है। 12 क्या है? एक्सपेंस है। 6 क्या है? लोन है। और यहाँ पर 8 क्या है? मल्टीपल लोन्स। इट्स टॉकिंग अबाउट कि आप अपनी सेविंग्स को तोड़कर इस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। जब भी फ्रेंड्स फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड 4, 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन देता है, ये कॉम्बिनेशन 4, 6, 8, 12, इसे आप लिख लीजिए, इसमें 11 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका मतलब ऐसी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो फ्रॉड वाली प्रॉपर्टी, जिसको आपने खरीदा और वो किसी फ्रॉड के चक्कर में या कोई उसके इलीगल डॉक्यूमेंट्स हुए या कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से व्यक्ति को परेशानी घेरनी पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4, 6, 8, 12, क्योंकि 4 नंबर प्रॉपर्टी का है और मैंने आपको क्या बताया, 6, 8, 12 जब भी किसी के संदर्भ में जुड़ जाते हैं तो वो उसके रिजल्ट को खराब कर देते हैं। क्लियर है? अब बारी आती है 4, 8, 11, इसका क्या मीनिंग है? इज माई वॉइस इज ब्रेकिंग? अभी ब्रेक हो रही है क्या मेरी वॉइस? अभी भी हो रही है? ओके अभी हम बात करेंगे अगेन, वी विल टॉक अबाउट 4, 8, 11। 4, 8, 11 का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए 4 नंबर प्रॉपर्टी है, 8 नंबर इज टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, 11 नंबर आ गया ना, 11 मतलब क्या है? गेन्स। 11 नंबर जब भी आएगा तो वो आपको लॉस नहीं होने देगा। तो 11 नंबर ने यहाँ पर आपको आकर क्या बता दिया? 4, 8, 11 ने कंफर्मेशन कर दिया कि आपको विल के थ्रू, आपको विल के थ्रू प्रॉपर्टी मिल सकती है। इसके बाद बारी आती है 4, 6, 8, 11, 12, 3 और 10। 3 और 10 क्या है? 4 का निगेशन क्या है? 3 है। 4 का निगेशन 3 हुआ, 11 का निगेशन 10 हुआ। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा माना जाता है कि प्रॉब्लम प्रॉपर्टी को बाय करने में आपको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको रूल लिखवाया है जब भी किसी भी नंबर के साथ उसका निगेशन या 6, 8, 12 इन्वॉल्व हो जाएं तो वो उसके रिजल्ट को देने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यानी कि व्यक्ति बोलेगा मेरे हाथ में पैसा है, मेरा लोन रेडी है, बट कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही, अब कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही। इसके बाद बारी आती है जब फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड 4, 11, 12 के साथ या 4 के साथ 6 और 9 से जुड़ जाता है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको आप रेंट पर देंगे। अब यहाँ पर 6 और 9 क्यों आया? 6th नंबर इज योर टेनेंट, जो आपका किराएदार होता है वो आपका 6 नंबर है। तो जब आप 6th से 4th देखेंगे, 6th, 7th, 8th, 9th, तो उसका नंबर क्या निकल कर आएगा? 9th। उसका नंबर क्या आएगा? दैट विल बिकम 9। ओके नाउ अब हम बात करेंगे कि जब भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड
चार और 12 इंडिकेट करेगा, तो ये इंडिकेट करता है कि प्रॉपर्टी जो आप खरीदेंगे वो इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे, यू विल बाय द प्रॉपर्टी इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इसके बाद जब 4, 7, 11, 12 आ जाता है, प्लस मरकरी का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है, तो हम पर्सन को क्या बोल सकते हैं कि